ऑयल पंप खोलना पड़ेगा, ये ऑयल पंप है वो भी खोलना पड़ेगा। मर्सिडीज सी क्लास के अंदर गेयरबॉक्स का वाल बॉडी खोलना हो ये पंप खोल लेना है, ग्राउंडिंग के बोल खोल लेने हैं, ऑयल निकाल लेना है सबसे पहले, तो यहाँ से ऑयल निकालना है, 6 बोल्ट आएंगे। ये ब्रैकेट भी खोल लेना है, यहाँ सॉकेट लगता है वो भी खोल लेना है, वाल बॉडी का मेन सॉकेट ऊपर लगता है। ब्रैकेट खोल लिया है, देखिए ऑयल निकाल रहे हैं हमारे हमारे ताजिम भाई हैं, पता चला है पानी लगा तो बेटा नगर गर्म हो जाएगा। ऑयल गिनने देते इतना भी लगे छोड़ दे वादा नहीं थोड़ा थोड़ा कुल उसका लबड़ता जाए। फिल्टर को नीचे गिरा दे, ऊपर ले ले गाड़ी। ये फिल्टर है उसका, गियर बॉक्स का फिल्टर है, गियर ऑयल का, ट्रांसमिशन ऑयल का फिल्टर, तो ऐसे अच्छा दिख रहा है। सॉकेट पहले निकाल लेना है, ये वाला ये सॉकेट है वो पहले निकाल लेना है, वाल बॉडी खोलने से पहले। ये सॉकेट है सीधा यहाँ नीचे तक है, मेकाटोनिक का मेन सॉकेट है, तो निकाल लेना है। और जब ये वाल बॉडी बाहर निकालेंगे तब भी इसका ध्यान रखना है, ये कभी कभी क्या होता है यहाँ चिपक जाता है, तो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो मतलब जब भी वाल बॉडी बाहर निकालेंगे तो उसको ऊपर से प्रेस करके रखना है, यहाँ से प्रेस करना है, यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे तभी वाल बॉडी बाहर आएगा। मर्सिडीज सी क्लास के अंदर वाल बॉडी खोलना हो तो ये सॉकेट का पहले ध्यान देना होगा।
ये सॉकेट टूट जाता है। बोल ढीले कर लेने थोड़े पहले, ये जो चमक रहे हैं ना ज़्यादा, वही बोल्ट खोलने हैं कल। 1 2 3 4 बोल्ट है ये, और यहाँ पे है 5 बोल्ट 6 बोल्ट हैं यहाँ पे। फिल्टर की जहाँ फिल्टर लगता है वहाँ पे 6 बोल्ट दिए, 1 2 3 4 5 और 6 बोल्ट, और पीछे की ओर 4 बोल्ट है। छः और पीछे 4 10 बोल्ट खोल लोगे तो वाल बॉडी नीचे लबड़ जाएगा थोड़ा, पर ये सॉकेट का मेन ध्यान देना है, ये सॉकेट और यहाँ पे जो लगता है सीम, ये गियर का शिफ्टर लगता है यहाँ पे, ये सीधा ही लगना चाहिए, इसका ध्यान देना है। बोल्ट पहले ढीला कर लेंगे तो क्या लाइन के अंदर जो ऑयल होगा वो गिर जाएगा। बोल्ट ढीले कर लेने हैं थोड़े पहले, ये जो चमक रहे हैं ना ज़्यादा, वही बोल्ट खोलने हैं कल। 1 2 3 4 बोल्ट है ये, और यहाँ पे है 5 बोल्ट 6 बोल्ट हैं यहाँ पे। फिल्टर की जहाँ फिल्टर लगता है वहाँ पे 6 बोल्ट दिए, 1 2 3 4 5 और 6 बोल्ट, और पीछे की ओर 4 बोल्ट है। छः और पीछे 4 10 बोल्ट खोल लोगे तो वाल बॉडी नीचे लबड़ जाएगा थोड़ा, पर ये सॉकेट का मेन ध्यान देना है, ये सॉकेट और यहाँ पे जो लगता है सीम, ये गियर का शिफ्टर लगता है यहाँ पे, ये सीधा ही लगना चाहिए, इसका ध्यान देना है। बोल्ट पहले ढीला कर लेंगे तो क्या लाइन के अंदर जो ऑयल होगा वो गिर जाएगा। कछु नहीं ना, वो कहीं नहीं, आप इना नहीं देखा या जमीर भाई विशाल ने, ये बोल्ट हाउ कागज जैसे आते हैं। वाल बॉडी खुल गया है, देखो नीचे यहाँ पे वो शिफ्टर लगता है लॉक। याद याद कहाँ गई याद।
याद है मैं ऑयल पानी खाली चेक करूँ ना भाजी बॉडी में नंबर बात के बारे में नंबर से अभी रखते हैं बाहर मुख ये सब काले बोल्ट है वो खोल देने जितने भी बोल्ट है सभी खोल देने Thank you.
अभी पिकाचू ओके ऑल बन बनाएगा वीडियो ये तो यूज कर रहे डरा वाले क्या क्लास बात नहीं कर दो ये बाहर मैंने लॉक में कुछ हो मैं क्या इसलिए लॉक में खाली बाहर था इसमें खाली ये होगा रेंजर का दो अरे कितने बच्चे हैं इसमें दो तीन जो हम जो जो हैं तीन काले वाले हैं तीन नाम ज़्यादा नहीं है शूट करने को पंजे दिखा दे मेरा ये रूप फोन करे तो बात कर अबे फोन कर तो ये बात कर दे दो तीन जो हम जो जो हैं तीन काले वाले हैं तीन नाम ज़्यादा नहीं है शूट करने को पंजे दिखा दे मेरा ये रूप फोन करे तो बात कर अबे फोन कर तो ये बात कर दे काला एक ये काला है Thank you.
काला एक ही दिखा रही है, काला एक ही दिखा, ये राजेश ना एक ही काला, ये काला वाला है, यहाँ देना ही नहीं है उसको अपनी, बस काला वाला नहीं है। मर्सिडीज सी क्लास के अंदर वाल बॉडी सर्विस करने के लिए ऐसे खोली जाती है। ब्लैक वाला है, वाइट वाला है, वाइट वाला है, यहाँ एक काला छला है, ब्लैक छला है, यहाँ पे एक ब्लैक छला यहाँ आता है। ये जगह पर
खोल ले खोल ले। दो छटकने क्या घर खोल ले एक बाजी दूंगा। एक एक पूरा खोल। अभी वो ट्रे कहाँ है दबा के দেখো বাবা তার আওয়াজ মু চন্ন হবরি রে চালিশ বল ডাতে ইসমে फोटो का
ये पैकिंग में डाउट लग रहा था, इसको चेंज कर दिया है। RPM सेंसर का ये पैकिंग है। उल्टा कर दो, घूम क्या हो? अबे बोल ले, इसका ध्यान देना है लगाते वक्त, और यहाँ पे जो आगे वो पाइप लगाया है उसको एक ध्यान देना है, और यहाँ पे सॉकेट। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये बोल्ट को जो आपने ज़्यादा टाइट किया ना तो टूट जाए, कागज़ जैसा बोल्ट आता है। दस बोल्ट आते हैं इसके अंदर, दस बोल्ट सच टाइट कर देना। लेवल तक आ जाना चाहिए, फिल्टर नया लगा दिया है, चैम्बर फिट हो रहा है। पानी ले लो।
पेटी लाया था, पेटी का है वो भी। नया ऑयल डाल रहे हैं इसका, ATF M7 स्पीड है इसका, है ATF MB7 स्पीड गियर का ट्रांसमिशन। यहाँ से डाल रहे हैं नीचे से 4 लीटर ऑयल डाल देना है, फिर गाड़ी चालू कर देना है। 3 से 4 लीटर जैसा ऑयल डाल देना है, फिर गाड़ी चालू करना है। फिर गाड़ी चालू करने के बाद ऑयल डालते ही रहना है। 6 लीटर डाल देना है, फिर 6 लीटर डाल के इसको निकालना है वापस। ये पाइप को निकाल लोगे फिर ऑयल गिरेगा यहाँ से, तो ऑयल लेवल हो गया है। ओके, ऑयल ना गिरे तब तक डालते रहना है। गाड़ी चालू के अंदर यहाँ से ऑयल गिरेगा तो लेवल ओके हो जाएगा। ऑयल यहाँ से डालना है, 8 लीटर ऑयल गया है इसके अंदर। 3 से 4 लीटर ऑयल डालने के बाद गाड़ी चालू नहीं करना है, पहले 3 लीटर ऑयल डाल देना है, 3 से 4 लीटर, फिर गाड़ी चालू कर लेना है। गाड़ी चालू कर लेना है, चालू करने के बाद ऑयल डालना है 2 लीटर जैसा, और 6 लीटर डाल के ये यहाँ से पाइप निकालना है। ये जगह पे जो पाइप लगाएंगे ऑयल डालने का, वो निकालना है। फिर ऑयल आता होगा उधर से, ऑयल गिरना, गाड़ी चालू हो, गाड़ी चालू रखना है, फिर उधर से ऑयल गिरे तो लेवल ओके है, ना हो तो और डालना है। ये गाड़ी के अंदर 8 लीटर ऑयल डाला, फिर ऑयल गिरना चालू हुआ। यहाँ से ऑयल गिरना चालू हो जाए तो समझने का इंजन गियर ऑयल लेवल ओके है। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेक करने के लिए कुछ इस तरह से किया जाता है। वाल बॉडी फिटिंग हो गया, फाइनल है। अब जाल लगा के देखेंगे क्या हो रहा है, स्कैनिंग करके देखेंगे।